इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में ट्रेजेक्ट्री किसे बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री होती है पाथ, रास्ता। तो जैसे प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आता है, तो ये इसका रास्ता कैसा है? पैराबोलिक। तो आपको इक्वेशन किसकी बनानी है? पैराबोला की। तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री यानी कि पैराबोला है इसमें। तो जैसे मैथ्स में आपके पास सपोज एक्सिस, ये एक्सिस आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस आपके पास वाई एक्सिस है, तो एक एक्स एक वाई है। इसके अंदर सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो ये लाइन क्या है? एक्स इज इक्वल टू वाई की लाइन है, एक्स और वाई बराबर है इसमें, तो एक्स और वाई बराबर है। तो अगर मैं आपको ये इक्वेशन पूछूं कि इसकी इक्वेशन क्या है, आप बोलते हैं एक्स इक्वल टू वाई, ट्रेजेक्ट्री क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर ट्रेजेक्ट्री या पाथ स्ट्रेट लाइन है तो इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल टू वाई। आप ग्राफ पेपर अगर लें, एक्स और वाई को प्लॉट करें और मैं आपको एक्स की वैल्यू दूं, कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू सेम आएगी, प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। मैं ये चाहता हूं कि इस बार मेरा पाथ ये बनाए, ये बनाए, और इस पॉइंट पर, इस पाथ पर कोई भी पॉइंट अगर लिया जाए, कोई भी पॉइंट लिया जाए, उसका कोई ना कोई एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट होगा, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट कॉन्टिन्यूसली अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? चेंज। एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। मेरा क्वेश्चन ये होगा इसके अंदर कि अगर मान लो कोई भी मैं आपको एक्स पोजीशन दूं और आपसे पूछूं कि इतने एक्स इक्वल टू मान लो 5 मीटर पे वाई की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, तो मैं आपको एक इक्वेशन बना के देने वाला हूं। उस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, जिसमें आप एक्स की वैल्यू पुट करें और आपको कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू पता लग जाएगी। आप अगर यहां पर एक्स की वैल्यू पूछें 15 मीटर पे क्या होगी, तो मैं कॉरस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यू साथ के साथ बता दूंगा। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो एक्स की वैल्यू आप मुझे देते जाओ, कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मैं आपको देता जाऊंगा, बात खत्म हो गई, राइट? ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। अब इसके अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अंदर सपोज करो ये प्रोजेक्टाइल जब यहां से यहां जा रही है, तो किसी भी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल यहां पर थी, किसी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल यहां पर थी। प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया गया था विद अ वेलोसिटी ऑफ v एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट थे वेलोसिटी के इनिशियल, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। ये भी क्लियर है यहां तक? इसके दो कंपोनेंट थे, v cos थीटा से हॉरिजॉन्टल जा रही है, v sin थीटा से ऊपर आएगी। अब ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट पर ही सॉल्व किया जाए, प्रोजेक्टाइल नहीं आई मैक्सिमम हाइट पर, और सपोज किसी भी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल कहां पर है? यहां पर है, जब कोऑर्डिनेट क्या है? x कॉमा y, और टाइम टेकन यहां पर आने का कितना है? टी टाइम, इसमें टी है। तो टी टाइम में इसका अगर कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो ये वाई है और ये एक्स है, एक वाई है और ये एक्स है। ये भी क्लियर है यहां तक? तो आपको एक्स और वाई का रिलेशन बताना है। एक बात बताओ कि अगर यहां से यहां आने में टाइम टी लगा, तो डिस्टेंस एक्स में कितना कवर हुआ? एक्स। तो एक्स का डिस्टेंस निकलता कैसे है? एक्स एक्सिस में अप्लाई एस इज इक्वल टू बी टी, तो इसमें x इक्वल टू vt में, s इक्वल टू vt में, x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या है? v cos थीटा इनटू t, तो टाइम की वैल्यू आ गई x डिवाइडेड बाय v cos थीटा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और y एक्सिस के अंदर, y एक्सिस के अंदर अगर मैं वैल्यू पूछूं y की क्या वैल्यू है, तो आप y एक्सिस में अप्लाई करें s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y एक्सिस में इस पॉइंट पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? v sin थीटा। ऊपर जाने में एक्सेलरेशन क्या है? माइनस जी, और टाइम क्या है? टी। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें एस की जगह क्या आएगा? वाई। वेलोसिटी की जगह क्या आएगा? वी साइन थीटा इंटू टी हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहां से उठा के आप यहां पे पुट करते हैं, पुट कर दी, तो वी से वी कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या है? टेन x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अपने फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो, फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का ये फॉर्मूला। आपको अगर मैं x की वैल्यू देता जाऊं, यहां पुट करते जाना और कॉरस्पॉन्डिंग y निकालते जाना, और v और थीटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में।
क्वेश्चन बहुत सही है। ये कह रहा है कि देखो ये तो आपने टाइम ऑफ एसेंट में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाई है, आधे रास्ते में, आधे बचे हुए रास्ते में तो जी पॉजिटिव होगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट में ये कह रहा है कि जी पॉजिटिव नहीं होगा। लॉजिक है, क्वेश्चन सही पूछा है इसने। क्या आंसर देते हो, गलत तो नहीं बोल रहा? आधे में पॉजिटिव आधे में नेगेटिव, तो मैंने तो फर्स्ट हाफ में लगा दी, सेकेंड हाफ में तो गड़बड़ हो जाएगी, और सेकेंड हाफ में इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगी टॉप से नीचे, तो क्या अलग इक्वेशन बनेगी? बननी तो कायदे से चाहिए अलग इक्वेशन, क्योंकि y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जब लगाऊंगा सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी में, तो पहली बात तो ये मैंने मैक्सिमम हाइट ली नहीं, चलो मैं ले भी लूँ अगर एक मिनट के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो लेनी पड़ेगी मुझे, ऐसा फिर आंसर ही तो गलत हो गया। पॉइंट है, अब इसका आंसर सुनो, ये प्रोजेक्टाइल सिमिट्री में बनता है, पैराबोला सिमिट्री में होता है। आप अगर मुझे ये कहें x की वैल्यू मान लो 5 मीटर पे y निकाल लें, या सपोज आप मुझे ये कहें कि सर टाइम ये बताएं कि टाइम की वैल्यू मुझे बताएं क्या होगी, या फिर x की वैल्यू बताएं क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी जब y की वैल्यू 5 मीटर है, y की वैल्यू 5 मीटर है। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने ये पूछा इस इक्वेशन को देखते हुए, मैंने पूछा कि y की वैल्यू जब 5 मीटर है, ये सब गिवन है गिवन है गिवन है गिवन है, तो मुझे क्या ढूंढना है, एक्स ढूंढना है। तो आपको फीलिंग नहीं आ रही, मुझे क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स आएंगे, एक्स के दो वैल्यूज आएंगी, और होनी भी दो वैल्यू चाहिए, क्यों? क्योंकि वाई 5 मीटर यहां भी मिलेगा आपको, और वाई 5 मीटर आपको यहां भी मिलेगा, तो एक्स की ऑटोमेटिकली कितनी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, दो। ऐसे काम करेगी क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो आपको एक ही जगह लगानी है एक्स की वैल्यू, वो आपसे पूछेगा वाई की वैल्यू देके, तो ऑटोमेटिकली एक्स की दो वैल्यूज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, एक फर्स्ट हाफ में और एक सेकेंड हाफ में, ऐसे चलती है क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सही है, पॉइंट समझ में आया यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, इसके अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के अंदर ये एक टॉपिक गिवन है, ये याद नहीं करना आपने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये हमने ड्राइव की, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को मॉडिफाई करने जा रहे हैं, कई न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव बुक्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को ऐसे यूज नहीं करते, कई करते भी हैं पर ज्यादातर यूज नहीं करते, ज्यादातर क्या करते हैं इसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई प्रूफ पेपर में नहीं आता, फॉर्मूला नोट करेंगे एंड में, क्या x tan थीटा दोनों में से कॉमन निकाल लें, दोनों रिजल्ट्स में से x tan थीटा कॉमन निकाल लें, तो यहां पर क्या आएगा, 1 आ गया, और यहां पर x tan थीटा में x तो कॉमन आ जाएगा पर tan थीटा है ही नहीं, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया बाय tan थीटा, चलेगा? जब नहीं है तो जबरदस्ती निकाला ना, तो tan थीटा डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड किया तो tan थीटा को 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, cos / sin, तो cos से cos क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, ये टर्म बच गई। एक काम करो, x को ऐसे रहने दो, 2 नीचे है सही है, v स्क्वायर नीचे है सही है, cos थीटा नीचे है सही है, sin थीटा नीचे है सही है, g ऊपर है, g को न्यूमिनेटर से उठा के डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो ये नीचे आ जाएगा जी, रेसिप्रोकल करके देख लो, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये आंसर आएगा सेम, याद नहीं करना आपको स्टेप, जो बता रहा हूं मैं, ऐसा करने से एक फायदा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैथ्स में क्या होता है, साइन टू थीटा, और ये फॉर्मूला देखा लगता है वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की, तो फॉर्मूला रजिस्टर में एक और फॉर्मूला नोट करें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला एक्स टेन थीटा इंटू 1 - x / r, ये काफी यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव बुक्स और सब्जेक्टिव बुक्स, न्यूमेरिकल्स के अंदर स्पेशली, ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस के पता होना चाहिए, राइट, क्लियर है यहां तक, कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे।